अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले हज़ारा नाल मैं हूं तुहाडा मेज़बान इमरान जुमान। नाज़रीन अज असी मौजूद हाँ नवांशहर के ग्राम विच। नवांशहर तो इसका ना है वे, मगर ये उतना ही कदीम है। इस विच 19वीं सदी दियां जिहड़ियां बिल्डिंगां इमारतां बनी दियां वो इत्थे मौजूद हन। और उस तो इलावा अगर गल कीती जुले तो 19वीं सदी विच मुसलमान हिंदू सिख इत्थे मिल के रहिंदे, और इत्थे दियां जितनियां इमारतां उन्हां विच हुण वी उन्हां लोकां दे असरात जिहड़े हैं वो मौजूद हन। मगर एक बदकिस्मती अक्सां उसां कि ये इमारतां जिहड़ियां वो आहिस्ता आहिस्ता खंडरात दा जिहड़ा है वो मंजर पईआं पेश करदियां। इत्थे दी जिहड़ी इंतजामिया वो इस विरसे आ संभालने विच मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हुण जिहड़ा है कि इत्थे दे जिहड़े रिहायशी लोग मौजूद हन जिहड़े अपनी मदद आप दे तहत जिहड़ा है इसकी सफाई सुथराई का ख्याल करदे हन, वो इत्थे मौजूद हो सन, उन्होंने भी असं तुसां दी गल करासा इस प्रोग्राम विच। तो मां चाहिदा सी तुसां दा साथ और तुसी मेरे नाल रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं इत्थे सरकारी मुलाजमत की थी पहले पीओ हवेलियां विच, उत्थों रिटायर होके ते इत्थे अंकारी होना। ठीक है, इत्थे दे रहायशी हो? इत्थे दे रहायशी दे मल्ला खलील ज़ैन नवांशहर। इत्थे दी हिस्ट्री दे बारे विच क्या? इत्थे दी हिस्ट्री दे बारे विच वी असां ते जिस वक्त होश संभालिया तो असं तो नवांशहर के नाल इस तरह सुने कि नवांशहर ये और एक पुरानी आबादी चलती आ रही है, लेकिन साड़ी याद तो पहले तो चलता पाया वल्लो आलम अकावरीन जिस तरह दसते उन्होंने हवाले नाल ही है कि 200 साल 300 साल पहले जी ये आबादी मौजूद है। तो ये जो सामने स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है इस बारे में सुना कि यह हिंदुओं का मंदिर आ और पाकिस्तान बनने तो बाद इस प्राइमरी स्कूल भी तब्दील कर दिया गया। हिंदू इतों नस के हिजरत कर गए अपने हिंदुस्तान चले गए। अक्सर औकात जोड़े लोग चलते हैं वो अपने जायदादा वगैरह साड़ के चलते इतों, लेकिन उन्होंने भी यही काम किया है कि अपनी जायदादा बाजार मार्केट सुखत हिंदुआं जला के इस बाजार ख़त्म करने की कोशिश की थी ताकि पिछले मुसलमानों के हाथ कुछ ना कुछ ना, क्योंकि हिंदू और गैर मुस्लिम जितने भी हैं हिंदू समेत सारे इस्लाम दुश्मन तो मुसलमान दुश्मन हैं जिस जगह भी हैं। तो यह जी बिल्डिंग सामने तुम नज़र आ रही है पी ये बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के नाल हूँ बनी है, दोबारा इतने मिडिल स्कूल बनाया ने। ये पहले ग्राउंड आ। अच्छा, ये पहले ग्राउंड की शक्ल बच्चे आ जिस असं स्कूल पढ़ते रहे हैं, इस पुरानी बिल्डिंग में पढ़ते रहे हैं जी ये त्रै चार मंजिला इस दंदी में बनी हुई है। ठीक। तो इस नाल थले पानी के तालाब वगैरह है जिस विच इलाके दे लोग आके गुसल भी करते और औरतों वास्ते अलग जगह बनी दी, मर्दों वास्ते अलग और अपने कपड़े वगैरह धोने वास्ते इस पानी इस्तेमाल करते। हिंदू दौर दी बनी दी सारी? ये हिंदू दौर दी बनी दी, उस वेले ओए भी इस्तेमाल करते, दो मिल के इस्तेमाल करते मुसलमान जो उस वक्त मिक्स है ना आबादी मिक्स है, तो वो तो फर्क तो नहीं है कि आबादी हिंदुओं की है तो मुसलमानों की है, कैसे ना चलाते सारे मिल के इस्तेमाल करते। बढ़ाया था ये हिंदुओं ने, जायदादा उन्होंने आई है उस वक्त हिंदुओं दी आई है ना। उस दौर में फिर चले गए, लेकिन इस पिछले देख भाई सारा लोक विरसा है एक। ठीक है, जिस असें संभाल ना सके हुकूमत का तुम के पैगाम दसो कि इस विरसे के बारे में उन्होंने की एक काम होगा? हुकूमत का चाहिए है जितने भी साढ़े तारीखी आसार हैं तारीखी इमारत हैं उन्होंने की हिफाजत करे ताकि साड़ी आइंदा वाली आइंदा आने वाली नस्लों पर इस चीज़ का पता चले कि इतने हिंदू भी रह के गए और ये हिंदुओं ने बनी हुई इमारत ने हिंदुओं ने सहूलत कितनी दी दी और किस किस जगह इस्तेमाल करके जी जगह बाजार नामुमकिन ही इस्तेमाल वास्ते उत्थे जो बिल्डिंग्स जो इमारत बढ़ा के तो वो चले गए। तो अज असन वो इमारत वो बिल्डिंग्स वो रस्ते जो बने दे उन्होंने वो भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं हुकूमती लापरवाही की वजह तो, और हुकूमती लापरवाही के नाल नाल असं खुद जो शहरी हैं इस इलाके के जी आबादी है बस्ती है असं तवज्जो ना देंगे ना सफाई का ना अपनी देखभाल का अपने विरसे असं ना संभाल। बिल्कुल, जिस तरह मैं देखा जगह जगह पर गंद पे शॉपर पे इस चीज़ का भी लोगों ने ख्याल किया ना, तो असं आप गंदगी फैलाने वाले हाँ तो असं फिर सटने गवर्नमेंट उत्ते छोड़ देने कि गवर्नमेंट आके साड़ी सफाई करे, तो गवर्नमेंट इतने काम नहीं कर सकती, इतना फाल इदारे भी नहीं, इतने साढ़े को फंडस भी नहीं, इतने साढ़े को वसायल भी नहीं, तो असं थोड़े थोड़े सतह से अपनी मुकामी सतह से अगर हिफाजत करा गंदगी तो अपने आप असं गंदगी तो बचा सकते हैं। इस पर कोई शक नहीं कि असं इस उत्ते अमल करा तो अमल के दौरान साड़ी सफाई सामने आ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तुसां देखा वे कि बुजुर्ग शहरी मेरे नाल मौजूद हैं, इन्हां दा ही आखना है कि तालाब भी मौजूद हैं पुरानियां बिल्डिंगां भी मौजूद हैं, मगर इन्हां दी संभाल नहीं होंदी, इन्हां दी देखभाल नहीं होंदी उस हिसाब से।
और जड़ा है कि जो तालाब हैं ये पब्लिक हेल्थ के हवाले कर दिए गए हैं, मगर सफाई का सारा निज़ाम जड़ा वे वो इतने वासा पिया दिखता है इस मामले पर। मगर कुछ जड़ा है असा दा वी इस विच फर्ज बनता है कि असी वी सफाई का बहुत ख्याल रखा, क्योंकि जगह जगह पर कचरा और ये चीज़ा सट छोड़नियाँ और उस चीज़ का ख्याल ना रखने नाल ये चीज़ दिन ब दिन जड़ा है वह तबाही के दाने पर जुलदी जुलदी है। मेरे नाल रहे हो, मजीद लोगों नाल गल कर सा और तुसां सुना सा। वालेकुम सलाम, क्या जी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे तो इतने जड़ा है तुसां तालीम बच्चों देंदे हो? मैं पिछले 6 साल तो इतने बतौर टीचर तैनात हूँ और मैं स्कूल खुद भी थे, प्राइमरी स्कूल इतनी पढ़े। अच्छा, तुसें खुद भी इतनी पढ़े जी? हाँ, तुसें कड़ी सन बच्चे पढ़ा? मैं सन 73 में थे, 73 तो 75 तक पढ़े। ठीक है, और के मतलब इस स्कूल दी हिस्ट्री दा के आपसो कितने? ये स्कूल जो है जी, इसका जो फर्स्ट एडमिशन है जी, ये 1897 तो स्टार्ट हो है। अच्छा। इस तो पहले ये हिंदू मुसाफर खाना है, इतने जो नाल तले नाले तो तुम देखा मंदिर है, वो हिंदू जो दूर दराज तो आते होंगे इतने मंदिर इबादत करने, वो इतने ठहरते होंगे, तो यह हिंदू मुसाफर खाना है। तो उस तो बाद फिर तकसीम तो बाद जो ये गौरमेंट ने सकाफ के अंडर आ गया, ये सब बतौर तालीम पहले जो हिंदू होंगे वो मतलब जितों भी अपनी इज्जत करते जुलते उस जगह वो जला के जुलते, क्या आया कितने भी कोई वाक्य इतने? अलहमदुल्ला जो असल बुजुर्ग उन्होंने ये गल आखते हैं कि इस बार सा तालुकात है कि वो इतों गेंद जुड़े मिले तो उन्होंने इस किस्म का वाक्य पेश नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने मतलब इज्जत की है, तो उन्होंने जोड़े बिल्डिंगा ही उस तरह ही रही, हिंदुस्तान में जो माजर इतने आए हैं वो बिल्डिंगा उन्होंने अलाट हो गए। ठीक है, तो दूसरा जड़ा इतने मंदिर है इसका बारे में तुम क्या आखो कि भाई उस बाद कोई हिंदू वापस आया इधर नहीं आए इस बारे में? पिछले तकरीबन 5-10 साल पहले एक इतने जो हिंदुस्तान इतों जो गए थे वो हिंदू इतने आया, हूँ उसके कुछ दोस्त इतने नवशहर सारे बुजुर्ग है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को इतने आया, तो उस नाड़ियाँ का विजिट किया जी, तो नाड़ियाँ की हालत देख के तो वह बड़ा अफसुरदा हो, तो बड़ा दुख होया, तो उस अपने दोस्तों ने गल आई है कि यार ये नाड़े इतने असं दुध जो डोल के पीने हैं तो साफ सुथरे होंगे, तो तुसा दूसरे ये नाड़े भी सामने रखे साफ नहीं कर, तो इन्होंने तुसा तबाह कर सकते हैं। वो आया जो बड़ा रोया जी इतने, तो मतलब सारे पुराने जितनी भी बिल्डिंगा ही जिते जिते उस स्कूल बच्च भी आया, तो जिते उन्होंने रिहायश है जिते पुराने मकान है सारे उस विजिट किए सारे देखे। ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट अगर पैगाम दसो, क्योंकि इन्होंने हालत तो बिल्कुल तबाही के दाने होते हुए मंदिर है जो उसका बिल्कुल एक स्कूल थोड़ा है ये थोड़ा एक्सटेंड होता है थोड़ा बहुत इस पर काम होए दिन, मंदिर बिल्कुल तबाही के दाने पर गौरमेंट इस के पैगाम दसो। असल बच्चों चूंकि मंदिर एक हिंदू का एक तारीखी मकाम है जी, तो इसका मैं समझना कि इस तरह अगर इसकी थोड़ी जी मेंटेनेंस हो जाए तो इस तरह उन्होंने जी तारीखी मकाम जो है उससे काम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो? शुक्रिया अल्लाह। कितने अरसे तो इतने रहते हो? असी जे साढ़े दादे पर दादे इतने रह के गए। अच्छा, इतने जो हिंदू रहते वो तुसा देखे जी? देखे जी। अच्छा, हल्के हल्के। ठीक है, बस मतलब उस उम्र छोटी है जी? अच्छा, स्कूल पढ़ने हैं उस वक्त। ठीक है, बाजार है जड़ा अब्दान भी पढ़ने हैं। अच्छा, बाकी ये जितना एरिया भी है ना ये उस्ताद वो बुजुर्ग खाते जो ना पता है ये सारा मुसल जही है असी मुसल जही हैं। ठीक है, समझो वो पार सामने कमाव है। ठीक है, ये साड़ी अपनी जाती शायद है, समझो जी जी, उठे जी ज्यारत है वो साढ़े बुजुर्ग। ठीक है, इतने जो मंदिर बने दे उस वेले दे लोग जो आते हिंदू आते वो इतने इबादत करते वो कितने अरसे तक रही है? इस ग्रां के बारे भी नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, कि 900 साल में गया उसको छोटे छोटे हैं बिल्कुल जी,
तकरीबन अद्धा क्लास समझदे अद्धा बिच असी मुसलमान कोई ना था इस अग लाई इबादत खाने तले जिस तरह नाड़े जिस तरह हम आखने उन्होंने गंगा वगैरह थी जी उन्होंने इबादत का जरिया सारा तले वे उस तो बाद फिर रात जो क्याम हों उस वक्त इतने करते उन्होंने उस वक्त कोई वजीर ही गीता भवन उस अफ्तताह किया गेस्ट हाउस का उन्होंने रैशगा जो रात का जो क्याम हों इत हों इस कुछ कमरे अजय जिन्होंने आप ही इबादत करते होंगे उस बुत वगैरह उन्होंने सारा जो आतिश थी उन्होंने इबादत है वह सारी इतने होंगी हुई अच्छा कि वो वैसे इन्होंने चीज़ा जी इतने मौजूद है बुत वगैरह तो देखो जिस वक्त होया पाकिस्तान का क्याम होया मुसलमान के कोल बिल्डिंग आई उस वक्त बुत वगैरह तो चाहिए गए लेकिन बाकी जी इमारत है वो हूँ तो हाल उसी तरह ही है ठीक है और ये जो स्कूल बना कि सन स्कूल शिफ्ट होया इस साल जो अफ्तताह होया 1893 में जिस अफ्तताह होया उस तो कहते हूँ तक जो अज तक स्कूल जारी है और उस तो पहले जी इस बिल्डिंग की हिस्ट्री है वो कि सन तमीर हुई वो तकरीबन 1893 तो जो है ये बिल्डिंग अफ्तताह हो गया है उस तो बाद मतलब 1893 तक 1893 तो कहते 1893 तक ये हिंदू प्रॉपर्टी है इन्होंने को ठीक है नाज़रीन पहले जरा ये हिंदुआ इस बनाए इस धर्मशाला आखिया जुलता धर्मशाला का मतलब ये कि मुसाफिर खाना इसा बनाया गया है क्योंकि वो अमीर लोग है उन्होंने ये चीज़ा बनी दी आई मगर उस फिर बाद आके पाकिस्तान के क्याम तो बाद फिर इस एक स्कूल की जी है वो शक्ल दे दी गई है हूँ इतने जरा है एक स्कूल मौजूद है क्या हाल जी ठीक हो अलहमदुल्ला जी के अक्सो जी पुरानी जो बिल्डिंगा इतने बनी दी पुरानी इमारत खस्ता हाली के पास जुलदी हैं उस तो अलावा लोगों भी इतने बड़ा गंद कचरा सट्टे दा वे इस बारे में क्या यार जी साड़ी तो यही गल है कि ये जरा तले धर्मपुर है जिन इन्होंने जिस पे हूँ स्कूल है महकमा वकाफ की प्रॉपर्टी है तले नाले के नाल ही इन्हों की होर भी नवे शहर बच्च इन्होंने जीडिया इमारत हैं ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हूँ मैं दो त्रै बारी मेरी ये दुकान है मैं इन्होंने करीबी मेरे गुआढ़ ही हैं मैं इन्होंने दो त्रै बारी ऐसा फोन करके आया है कि इसे सफाई की वन जी क्योंकि महकमा औकाफ है जी उन्होंने दफ्तर इतने तो किरे भी नहीं तो सुने वाह वे कि अटुक बिच इन्हें जिला अटुक बिच इन्हों का आंदा पाकिस्तान की बस काम है बाकी उस को ना पाकिस्तान का समझो शायद ना किसी होरी ना किसी महकमे का क्योंकि मुड़ के किसी पूछा ही नहीं इतने तले खकरो भरा साढ़े कमेटी वाले बसाए दे चलो वो भी साढ़े भरा उन्होंने मुतबादल कोई जा दी वजे तो यह तले इन्हें जो कुछ हाल है तुसा मैं भी देखा भी हो देखा तले कि मनसियात का जो बिल्कुल अमाजगा बनी हुई है तो फिर नाल ये कि सारी दुनिया गंदगी बनाने उधर ही जुलती है पेशाब करने जुलते हैं लोग तो वह समझो बड़ा खफा होया उस आखा कि यार यही वाला काम असा जिस वे तुसा नाल उथे कीता बाबरी मस्जिद दा ते तुसी सारे आग भगोला होयो ते साडी वी इसे तरह इबादतगाह ही हैं इह मैं लगदा काली माता दा मंदर है जिस तरह असा दिन मस्जिद जामे होंगे उन्होंने कुछ ए उस सिलसिले में लेकिन असं वाकई जुलम करने इंसानियत के नाते मजहब के हिसाब भी आखा तो यह बड़ा जुलम है कि उन्होंने
असा बिल्कुल एक आध दर्जे का असा बिरुमती पे करने हैं उन्होंने बिरुमती की आखो कि बस गंदगी का मतलब ढेर असा बढ़ा के दे तुसी देखो तुसा देखा कि यह सारा इतने सारे मुल्क का ढेर असा यही बढ़ाए। जी नाज़रीन मेरे नाल मौजूद हैं इतने के एक और रिहायशी इन्हों मुकम्मल हिस्ट्री इतने के बारे में पता हुई इन्होंने को सुनने कि ये जड़ा है इस मंदिर की तामीर कदों हुई है और कितने अरसे बाद जुल के हिंदू जड़ा है इतों हिजरत करके गए सारे मामला इन्होंने को सुनना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या हाल है जी? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का जी। की आखो इस हिस्ट्री के बारे में क्या दसो? ये इमरान भाई हिस्ट्री के हवाले नाल अगर मैं तुसा दसा तो ये इंतहाई एक कदीम तारीख है इस खास तौर नवांशहर की एक कदीम तारीख है इब्तबाद का एक कदीमी इलाका है और 19वीं सदी के अवाइल बिच इत्थे हिंदू आबाद है और ये मंदिर जिहड़ा है ये उन्हां दी एक रफ्तार की एक याद भी ताज़ा करता है। हिंदू मंदिर उस तौर पर बढ़ाया गया है हिंदू आबादी सिख है मुस्लिम है इतने नाल आपस में रहते हैं नाड़ियाँ का मकाम है इतने खूबसूरत एक इतने एक तालाब है इतने खवातीन मर्दा का अलहदा अलहदा एक नहाने का सिस्टम होता है इतने एक नदी जा रही इतने साफ पानी की इतने सफाफ पानी की इतने तरसील भी होती तो बहरहाल वक्त के साथ साथ सारा जिहड़ा साडा विरसा है ये बिल्कुल खंडरात भी तब्दील हो चुका है और मैं तुसां साथ साथ ही दसां कि मुसलमान हिंदू मिक्स रहिंदे बिल्कुल मुसलमान और हिंदू आपस में उन्हां दी एक इतफाक आया एक मजहबी रवादारी एक तारीख ही थे दी जिहड़ी हुण नज़र नहीं आती और वाकियात जिहड़ी रह गई ने कि दो मंजिला इमारत है नाल इत्थे 108 सीढ़ियां होंदियां हियां साथ ही ये प्राइमरी स्कूल है उत्थे वो एक मुसाफर खाना है जिहड़ा हुण प्राइमरी स्कूल है उत्थे हिंदू यात्री आंदे ठहरदे और उस तो बाद तले 108 सीढ़ियां लैके आंदे और इत्थे वो स्नान करदे उस तो बाद वो अपनी इबादत भी मशगूल होंदे। इत्थे दी तारीख भी है कि इत्थे महात्मा गांधी भी आए ते जिहड़े भारत दे सदर है राजेंद्र प्रसाद शर्मा सौन भी इत्थे दा दौरा कीता है। असी तो हुकूमत ना खास तौर असी सारे मकाम यही आखने कि खुदा रा इन्हां विरसियां दा तहफुज कीता जुले इत्थे जिहड़ी एक फैमिली रहिंदी है उसका किहड़े कौम नाल किहड़े कबीले नाल तालुक है? उस सेठी खानदान नाल उन्हां दा तालुक है और एक बहुत फाइनैंशियल तौर पर बहुत तकड़ी फैमिली और हिंदू इस टाइम इंडिया के बड़े ताजरां विच उन्हां दा नाम हुंदा है। वह भी इस दौर जिस टाइम हुण देख रहे उस दौर देखते हैं तो हुण दौर देखते हैं तो वह भी बड़े परेशान होंगे और वही असा हुकूमत ऑफ पाकिस्तान आओ आखते हैं दोबारा इस विरसियां रीस्टोर किया जुले इस हिफाजत की जुले ताकि इतने एक सियाहत का भी मजहबी सियाहत तो फरोग मिल सके। मैं देखा जा आया कि गंदगी का ढेर हो हर बंदा मतलब गंदगी के लिफाफे हर चीज इतने सट्ट पाया आया कि यह गल दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। वो जी शफाफ नदी है जो कचरा कुंडी बनी दी जितों पानी पीते इतना साफ पानी आंदा है। खैर 1963 में जिहड़ा CNW दे वाले हुकूमत कर छोड़िया दूआ तकसीम हिंद तो बाद इतों हिंदू वापस चले गए और फिर जो कुछ होंदा है इत्थे विरसा नाल होंदा है वो अज भी हो रहा है। ये जो ट्यूबवैल लगे दा इत्थे ऑपरेटर भी मौजूद है जी ट्यूबवैल ते काम भी पे आउंदा है ये पानी किधर जुलदा है? ये सर पूरे नवांशहर है इब्तबाद दा देर है पानी की तरसील हो रही है CNW दे वाले कर छोड़िया इतों पानी हुण नवांशहर आबादियां मिलदा है। जी नाज़रीन मेरे नाल विलेज कौंसल नवांशहर दे चेयरमैन मौजूद हन इन्हां दा इस मंदिर वास्ते इस धर्मशाला वास्ते बड़ा वर्क है और इन्हां उत्थे दे बहुत सारे काम करवाए उस तो बाद जड़े हिंदू हैं वो इत्थे आए उन्हां इन्हां इनाम भी दिता है। बाकी इन्हां दा जुलने इन्हां कोलों पुछने आ कि के मामलात होए और किस तरह दे इन्हां वो इनाम मिले और सारी चीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम क्या हाल है जी? ठीक हो? अलहमदुल्ला ठीक ठाक जी। क्या आखसो जी इस बारे में पहले तो थोड़ी जी इसकी हिस्ट्री दस छोड़ो फिर उस तो बाद अगे जिहड़ा तुसां नाल हिंदू जिहड़े आए मुलाकात होई है वो मामला सारा दस छोड़ो। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं KTU TV का शुक्रिया अदा करना कि वो इस प्रोग्राम में जिथे आए मैं इन्हों का अपनी विलेज कौंसल नवांशहर की तरफों में शुक्रिया अदा करना KTU TV का कि हर इशू तो KTU TV असदे इब्तबाद बिच बढ़ चढ़ के सकन दिन मैं KTU TV मुबारकबाद भी देना ये सारे कमें बेजी इस तरह जी कि मैं तहसील मैंबर हाँ नवांशहर साबका दरबार बिच ते मेरे नाल जड़ा राबता होया व्हाट्सएप उत्ते है वकार साहब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं उन्होंने मेरे नाल राबता कराया है। उन्होंने वालद साहब उन्होंने दोस्त है नसार चाचा बाबू नसार साहब और यूसुफ सराफ साहब ये इंडिया जुलते रहे जी तो इन्होंने उत्थे दोस्ती हुई है तो फिर इन्होंने तलाकात हो मेरा व्हाट्सएप नंबर वकार साहब ने दिता उन्होंने वजह सेठी नाम ही आ उस हिंदू का
उन्होंने मेरे अगर रिक्वेस्ट की यार जी साढ़े जो मंदिर है जो नवा शहर डुडियाल के मकाम उत्ते भी उत्थे एक स्विमिंग पूल भी है तो इस वास्ते असा फिर मैं उन्होंने राबते में रहे हाँ उन्होंने गल आखी यार कि असा मकसद ये है यार इन सीढ़ियाँ जोड़ा जी के प्लस्तर किया जुले या इसका कंक्रीट किया जुले उन्होंने मेरे अगर रिक्वेस्ट की यार जी जी इसकी बटे की अपनी नेचुरल सतह है उसी बरकरार रखो। फिर मेरा उन्होंने कोआर्डीनेशन टिकी रही है जिसल फिर असा इन्हें उखाड़िया है बड़ी खस्ता हालत है ये सीढ़िया की खास करके कि सीढ़िया तो असड़िया मावं भैन बजुर्ग बच्चे नाल तुसा पता है उत्थे एक दो स्कूल भी हैं कि उन्होंने आमदोरफ्त भी होंगी है। फिर असा टुडयाल मलखली जेई मलम उसजेई मलम रनजेई नवा शहर के अता के ठंडियानी के लोग भी जोड़े पैदल चलने वाले उसे रस्ते तवाने तो बड़ी खस्ता हालत है। तो फिर वह विजय सेठी साहब मैं आखा यार जी इसका काम तुम स्टार्ट करो। अलहमदुल्ला उसका काम असा स्टार्ट किया फिर वह पाया तकमील तक पहुँचा उस उत्ते असा ग्रिल उस बैठने की जगह असा नवा एक उसने दिता है कि यार जी साढ़िया मावं भैन घुटने के मरीज हो उत्थे बह भी सकन। विजय सेठी साहब मैं उत्थे फोन किया वट्सएप उत्ते यार कि सदागत खान असी उत्थे आसा दे तुसी साड़ी उत्थे सिक्योरिटी का जो अरेजमेंट है वह तुसा करना। उन्होंने मेरे को पूछा यार जी तुसा का जूते का कि नंबर है तो मैं उन्हें आखिया बेताली नंबर है। वो मैं पूछे नहीं तुसी कोई स्पोर्ट्स भी करते हो मैं आखा जी मैं स्पोर्ट्स फुटबॉल खेलता रहा सारी जिंदगी। तो उन्हें फिर मेरे वास्ते इंडिया तो मैं गिफ्ट यही जो खालसा जरा गली बनिया वाला है यही लिफाफा कहन के मेरे घर आया है जोड़ा जोड़ा है जी फुटबॉल वाला मैं उन्हें गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट मैं नहीं उन्हें दिता बल्कि मेरी नवा शहर की आवाम दिता है मेरे नवे शहर दोकों दिता है मेरे अफ्टबाद लोगों दिता है कि इंडिया तो इतना बड़ा इन्हें गिफ्ट मेरे वास्ते भेजा है। मैं सलाम आखना विजय सेठी साहब हाँ कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी है मैं भी उन्होंने इज्जत रखी है कि उन्हें मैं आखिया जरा जी असा ने म्यार के मुताबिक काम हो जी। नाज़रीन अज के प्रोग्राम नवा शहर की जी हिस्ट्री है वह तुसा मैं दसी है तो नवा शहर है मगर ये अगर देखा जुले तो 19वीं सदी का कदीम तरीन शहर है। इस विच हुण भी हिंदू और मुस्लिम जिस वेले इकट्ठे रहिंदे उस दौर दियां जिहड़ियां इमारतां वह मौजूद हन और हुण भी लोग इत्थे रिहायश पजीर हन। अगर गल कीती जुले इत्थे दे मंदिर दी और उसकी जिहड़ी हालत है और बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है और बिल्कुल तबाही दे दाने उत्थे वे मेरे बैक तुसीं ये इमारत देख सकदे हो इस इमारत का जिहड़ा है कि बिल्कुल बुरा हाल है और कोई भी इंतजामिया कोई भी हुकूमत का जड़ा है इस पासे कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आया कि इन इमारतों फिर तो रिन्यू किया जुले सफाई सुथराई का ख्याल किया जुले तो इतों एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जो लगता वे क्योंकि बाहर के लोगों जिस वेले ये चीज़ नज़र आ सी तो वो लोग जोक दर जोक इन चीज़ा देखने वास्ते जरूर आ सुन अपने अबाओ अजदाद दियाँ जड़िया पुरानिया जड़िया चीज़ा उन्होंने उन्हें देखने वो जरूर एक बार इन इलाकों का रुख कर सुन। मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इसे नाल तुसां इजाजत किनसा और मजीद किसी और प्रोग्राम नाल तुसां दी खिदमत में दोबारा हाजिर हो सां। तां तक अपने मेजबान इमरान जमाना दे सो इजाजत अल्लाह सोने दे हवाले।